अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन रेसिपी। ये रेस्टोरेंट फूड स्ट्रीट में बहुत ही फेमस है, मशहूर ये रेसिपी है, ये सबको ही पसंद आती है। तो आज हम घर पे ट्राई कर रहे हैं और आप देखें कि मैं ये कैसे बना रही हूँ, आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई हमने रख दी है, कढ़ाई में हम 1 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। पानी हमने शमन कर दिया। अब स्पेगेटी वो ऐड कर देते हैं। ये स्पेगेटी से ही बनती है चिकन चाउमीन। पूरी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप देखें कि ये कैसे बना रही हूँ। इसे हम बॉईल करेंगे। पहले बॉईल करने के लिए थोड़ा सा ऑयल और नमक वो ऐड कर देंगे, ताकि ऑयल जब हम डालते हैं ये हमारी जो स्पेगेटी है वो अलग अलग हो जाए, आपस में ये मिले नहीं। ऑयल हमने ऐड कर दिया, अब नमक डाल रहे हैं। 15-20 मिनट तक ये बॉयल हो जाएगी। उसी कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया है, स्पेगेटी हमारी बॉयल हो चुकी है, उसे हमने निकाल लिया था। ये चॉप की हुई हमने अदरक लहसुन वो डाल दिए। चिकन चाउमीन के लिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाया, हमने चॉप कर ली थी। थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए। ये देखें मैंने कैसे ये चॉप की हुई है। हल्का सा हमारा कलर आ चुका है, अब हम इसमें सब्जी ऐड कर देते हैं। ये गाजर और शिमला मिर्च हमने काट कर ली थी। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, 5 मिनट तक इसे भुनाई करते हैं इसकी, ताकि ये थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आएगा, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। और बंद गोभी भी ऐड कर देते हैं। तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। पाँच 5-10 मिनट तक आप इसे फ्राई कीजिएगा। फ्राई करने के बाद अब इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स हम वो शामिल कर देंगे। फ्राई हो चुका है हमारा थोड़ा सा, अब सिरका ऐड कर देते हैं। सिरका और सोया सॉस हमने नहीं ली, डार्क सोया सॉस हमने ली हुई है। ये डार्क वाली हमने सोया सॉस डाली है। थोड़ा सा मिक्स करते हैं। टमाटो केचप भी वो भी डाल देते हैं। ये टमाटो केचप हमने डाली हुई है। टमाटो केचप और चिली सॉस, ये चिली सॉस भी हमने ऐड कर दी है। देखिए गल चुकी है हमारी। अब इसमें कढ़ाई मसाला ऐड करते हैं। कढ़ाई मसाला और ये बाकी का मसाला हमने ऐड कर दिया। सफ़ेद मिर्च, चीनी, चिकन पाउडर, नमक और सफ़ेद मिर्च, ये हमने सबको मिक्स कर लिया था। अब इन में डाल दी, अब मिक्स करेंगे अच्छे से। बाकी भी
कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च वो भी ऐड कर देते हैं। और चिकन बॉईल की हुई थी हमने, चिकन भी हमने क्रश करके वो डाल दी है। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। स्पेगेटी हमने बॉईल कर ली थी, ये भी शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारी चिकन चौमेन बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल हमने रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह हमने ये तैयार की हुई है। अल्लाह हाफिज़।